वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। यहाँ तो हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल की न्यू भर्ती के बारे में। यहाँ तो बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल की जो न्यू भर्ती है 2019 वाली, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर बात करने वाले हैं कि इसमें पोस्टें कितनी रहेगी और किन किन पोस्टों पर आवेदन होना है जहाँ दोस्तों, और इसमें एलिजिबिलिटी आपकी और आपका सिलेबस क्या रहेगा, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। आपका आवेदन कब से शुरू होने वाला है, आपकी लास्ट डेट कितनी रहेगी जी दोस्तों, उसमें शैक्षिक योग्यता है आपकी क्या क्या रहने वाली है और किन किन पोस्टों पर आवेदन होना है जी दोस्तों, यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की PDF और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है जी दोस्तों। ये BSF की मेन वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि आपका जो है मैन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक, यहाँ पे दो पोस्टें रखी गई है जो आपकी 1072 यहाँ पे दोनों की वैकेंसीज है, और इसमें आपकी योग्यताएं और एज आपकी क्या रहने वाली है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो आपका 25,500 से 81,100 रुपये पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका जो है पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। अदर अलाउंस वगैरह यहाँ पर सभी लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे करते हैं, नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज देखते हैं। यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक, यहाँ पे सभी वैकेंसीज दी हुई है आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, आपका सबसे पहले क्या होना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट डेट्स और प्रोसेस, फर्स्ट फेज में आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होना है जी दोस्तों। यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप होगा वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड स्क्रीन टेस्ट आपका यहाँ पर दे दिया है, 28 जुलाई 2019 को आपका जो है यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होना है जी दोस्तों। यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम भी दे दिया है कि आपका 28 जुलाई 2019 को आपका जो है यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, यानी कि आपके पास बहुत कम समय है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको BSF हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक बनना है तो आपको याद करना है कि 28 जुलाई 2019 को आपका एग्ज़ाम होना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड फेज में आपका क्या दिया हुआ है। सेकेंड फेज में आपका PST PET और डॉक्यूमेंटेशन होना है जो 9 अक्टूबर 2019 को आपका शुरू हो जाएगा जी दोस्तों। यहाँ पर यानी 28 जुलाई 2019 में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आपका फेज सेकंड में PST PET और डॉक्यूमेंटेशन आपका 9 अक्टूबर 2019 को होना है। यहाँ पर ऑल द कैंडिडेट्स अपेयर इन द स्टेज मस्ट हैव टू क्वालिफाई द PST PET एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द फर्दर अपेयरिंग इन द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम और उसके बाद PST PET डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चुना जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होना है, डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट आपका होना है जो 24 नवंबर 2019 को आपका होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिटर्न एग्ज़ाम में आपका एसे रिलेटेड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, तो यहाँ पे ये ओनली क्वालिफाई नेचर का आपका होता है जो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फॉर HC यानी हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आपका कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एज वेल एज डिक्टेशन टेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। दूसरा आपका यहाँ पे रेडियो मैकेनिक के लिए आपका कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। थर्ड फेज में आपका क्या होता है, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका थर्ड स्टेप में आपका जो है मेडिकल करा जाता है जो आपका 30 जनवरी 2020 से आपका शुरू हो जाएगा जी दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद PST PET और डॉक्यूमेंटेशन की एग्ज़ाम डेट, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम डेट, और उसके साथ साथ मेडिकल की एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे इन्होंने जो है BSF वालों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर चुकी है जी दोस्तों।
अगर आप इच्छुक हो बीएसएफ का ये फॉर्म भरने के लिए, हेड कॉन्स्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, तो इस फॉर्म को जरूर भरें। अच्छा फॉर्म है और सभी डेट, एग्ज़ाम की डेट सभी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपका पीएसटी रिटर्न एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और आपका मेडिकल कब होना है, वो सभी यहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। जय दोस्तों, उसके बाद आपका फाइनल स्टेप रह जाता है यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट। जय दोस्तों, जो आपका सभी चीज़ होने के बाद, यानी उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाता है, यानी आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार की जाती है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर HCRO एंड HCRM सेपरेटली एंड मेरिट विल बी अपेयर, मेरिट विल बी प्रिपेयर इन फॉलोइंग मैनर्स। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड डिटेक्शन टेस्ट आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100+100। उसके बाद RM की टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अबाउट ऑफ 200 मार्क्स। जी दोस्तों, यहाँ पर 200 में से आपको अंक दिए जाते हैं, यानी 200 में से आपके मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, कि आपकी योग्यताएँ क्या क्या रहने वाली है। जी दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर हेड कॉन्स्टेबल RO के लिए, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास 10वीं पास आप होने चाहिए, उसके साथ साथ 2 वर्ष का ITI का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर रेडियो एंड टेलीविज़न में आपका डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या दोस्तों, 10वीं के बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए RO के लिए, या फिर पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आप 12वीं पास होना चाहिए, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जो है आप रेगुलर स्टूडेंट हो, 60% इन PCM सब्जेक्ट, यानी कि 60% आप PCM सब्जेक्ट में हो और 12वीं पास आप होने चाहिए, तब इस फॉर्म को हेड कॉन्स्टेबल RO को आप भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं HCRM के लिए, मैट्रिकुलेशन या फिर आपके पास 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद सेम आपके पास नेटवर्क टेक्नीशियन, मैकट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि, यही जो है इक्विपमेंट मेंटेनेंस वगैरह का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 12वीं पास आप PCM होना चाहिए। दोनों पोस्टों के लिए सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है, या तो आप 10th पास हो प्लस 2 ईयर का आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो, या फिर आप 12th PCM के साथ में पास हो, तो यहाँ पे दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आपके पास दोनों में से एक कंडीशन आप फॉलो करते हो तो आप इन दोनों फॉर्म को भी भर सकते हो, या फिर आप जो चाहे सिंगल फॉर्म को भी भर सकते हो। नीचे यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट, तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 ईयर, और OBC के लिए 18 से 28 ईयर, और SC ST के लिए 18 से 30 ईयर यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी जो एज है, एज क्राइटेरिया वो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर रखी गई है, फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन यानी फुलाओ के साथ में आपकी 85 रखी गई है फॉर मेल के लिए, और वेट आपका कोरस्पोंडिंग टू हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका वेट यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो गोरखाज, डोगराज और मराठाज वाले कैंडिडेट के लिए जो पहाड़ी इलाकों से होते हैं, उनकी 165 यहाँ पर हाइट यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम सिलेबस की, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट आपका फर्स्ट फेज में रिटर्न एग्ज़ाम आपका होना है, दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम है आपका, फर्स्ट में आपका फिजिक्स पार्ट, सेकंड में मैथमेटिक्स, थर्ड में आपका केमिस्ट्री और फोर्थ में आपका इंग्लिश एंड GK। यहाँ पे 40 क्वेश्चन फिजिक्स, मैथ 20, केमिस्ट्री 20 और इंग्लिश एंड GK आपका 20, 100 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है, और वो 100 क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे, 200 मार्क्स के यहाँ पर आपका होना है। उसके साथ साथ में यहाँ पर 12th पास, या फिर 12th पास से आपका CBSE स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपका जो है यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री यहाँ पे आपका
सिलेबस में आने वाला है। उसके बाद करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आपका जो है फोर्थ पार्ट में आपका यहाँ से आना है। तो आप इस तरह से अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मैं एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको बुक कौन सी लेनी है, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी फॉर BSF, RO और RM के लिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे PHT की बात करते हैं, तो PHT में आपका यहाँ पर हाइट और चेस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। फिजिकल आपका जो होना है 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में आपको करनी है, साढ़े यानी 6 मिनट 50 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर होना है, तीन चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप आपका 1.2 मीटर आपको करना है, थ्री चांस आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसी प्रकार से फीमेल की बात करते हैं तो 800 मीटर दौड़ आपको यहाँ पे 4 मिनट में करना है, 9 फीट लॉन्ग जंप आपको थ्री चांस आपको दिए जाएंगे और 3 फीट हाई जंप आपको थ्री चांस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाना है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एज वेरीफाइड फ्रॉम द मेट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, EWS इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यहाँ पर SST सर्टिफिकेट अगर ST कैंडिडेट है, एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, टेस्टमेंटेशन दैट द कैंडिडेट विशेज टू प्रोड्यूस। यहाँ जी दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होना है, डिस्क्रिप्टिव में आपका जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको वीडियो एक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो तैयार कर लेना। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर आना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में आपका 12th स्टैंडर्ड का आपका रहने वाला, 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए बताया मैंने जो आपको अभी ऊपर सिलेबस में दिखाया गया था। डिटेक्शन के लिए फिर यहाँ पर आपको क्या होना है, इंग्लिश राइटिंग ऑफ जो है मिनिमम 100 जो है आपको 100 वर्ड आपको यहाँ पे जो टाइप करने हैं, 50 मार्क्स के आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग में आपका जो है पैराग्राफ रीडिंग करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है वो आप यहाँ पे क्वालिफाई करना है 33%। यहाँ पे इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी, 2.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ द सिंगल लेटर के लिए, और 5 मार्क्स विल बी डिटक्शन फॉर ईच वर्ड मिस्टेक ओमिशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो 14 मई 2019 से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट आपकी 12 जून आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है, और आपका एग्ज़ाम मैंने बता दिया 28 जुलाई आपको एग्ज़ाम होना है, यानी कि एक महीना आपको यहाँ पे फॉर्म भरने में लग जाएगा। और उसके बाद आपका जो है एक महीने ही आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए मिलने वाला है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको BSF, RO या RMR जो RM में भर्ती होना है, तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपको आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा उत्तर मिलता है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कोई अच्छी डॉ, तब तक के लिए जय हिंद।